संसद में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किया जोरदार हमला, बोले दो हिस्सों में बंटता जा रहा है हिंदुस्तान। बन रहे हैं एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। भाषण में राहुल गांधी ने पेगासस का उठाया मुद्दा, कहा देश में कोने कोने में हर किसी की हो रही है जासूसी। राहुल गांधी ने न्यायपालिका और चुनाव आयोग का नाम लेकर सरकार पर साधा निशाना, बोले इन संस्थाओं को बनाया जा रहा है हथियार। बीजेपी ने की राहुल गांधी से माफी की मांग, किरण रिजिजू बोले न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं देश के लिए अहम। 4 फरवरी को गोरखपुर से पर्चा भरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह की मौजूदगी में करेंगे नामांकन। यूपी में लगातार चल रहा है चुनावी पारा, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा जोरदार निशाना, बोले खून से सनी है लाल टोपी। अखिलेश यादव पर योगी का सीधा हमला, कहा सपाई दंगा कराते थे और जनता के पैसे से यूरोप घूमने जाते थे। मित्र वाले मित्र, पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे, यूरोप का। बुलंदशहर में योगी का धुआंधार प्रचार, जनसभा में कहा पहले तमंचे की फैक्ट्री चलती थी, अब पड़ोस में बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर। बुलंदशहर के बाद प्रचार के लिए मथुरा पहुंचे योगी आदित्यनाथ, प्रभावी मतदाता संवाद में लिया हिस्सा। यूपी के अतरौली में अमित शाह का प्रचार, समाजवादी पार्टी पर किया हमला, कहा उनके राज में लोगों को परेशान करते थे गुंडे, अपराधियों से डरती थी पुलिस। से गुंडे डरते हैं उत्तर प्रदेश में, माफियाओं से पुलिस डरती थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाद। पीलीभीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो, भारी भीड़ के बीच समाजवादी पार्टी को सुनाई खरी खोटी। लो विजिबिलिटी के चलते लखीमपुर खीरी में नहीं उतर सका राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर, मोबाइल फोन से जनसभा को किया संबोधित। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत, अखिलेश और जयंत ने शामली में किया रोड शो। यूपी की सियासी जंग में तीखी हुई जुबानी धार, अखिलेश यादव का योगी पर वार, बोले जनता देगी नकारात्मक राजनीति को जवाब। कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। योगी के गर्म खून को शांत करने वाले बयान पर अखिलेश का वार, कहा जिंदा रहने के लिए जरूरी है गर्म खून। योगी के धनादन वार पर अखिलेश का कटाक्ष, बोले मनचाहा टिकट ना मिलने से परेशान है यूपी के मुख्यमंत्री। योगी की गर्मी शांत करने वाले बयान पर जयंत चौधरी का पलटवार, बोले मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है ऐसी भाषा। वो तो मुख्यमंत्री जी की नासमझी है, ऐसी भाषा उनका शोभा नहीं देती पद को, पद की गरिमा होती है। समाजवादी पार्टी ने हैवीवेट स्वामी प्रसाद मौर्य की बदली सीट, फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे पडरौना के विधायक। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस गलतफहमी के हैं कि जिसको वो हीरो समझ रहे हैं वो नंबर एक का जीरो है। यूपी के चुनावी दंगल में मायावती की भी एंट्री, आगरा की जनसभा में बीजेपी पर जनता के साथ पक्षपात का लगाया आरोप। इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। लखनऊ के सरोजनी नगर से टिकट कटने के बाद मीडिया के सामने आए स्वाति सिंह, समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को किया खारिज। और आधी आबादी की का प्रतिनिधित्व करते आई हूं और करते भी रहूंगी, चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं, आजीवन रहूंगी। स्वाति सिंह की जगह सरोजनी नगर से बीजेपी ने ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को दिया है टिकट, कहा मुकाबले में नहीं है समाजवादी पार्टी। जो अपराधियों के और जो जेल में माफिया है उसके दम पे सरकार बनाना चाहते हैं, उनकी मंशा से प्रदेश की जनता वाकिफ है और उनको बिल्कुल वोट नहीं देगी। टिकट मिलने के बाद बड़े भाई के साथ आगरा पहुंचे राजेश्वर सिंह, मां का लिया आशीर्वाद, कल दाखिल करेंगे नामांकन।
लखनऊ के सरोजनी नगर से समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को बनाया उम्मीदवार, राजेश्वर सिंह को बताया बाहरी उम्मीदवार। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने दाखिल किया नामांकन, बीजेपी ने लखनऊ कैंट से दिया है टिकट। लखनऊ कैंट से टिकट मिलने पर ब्रजेश पाठक के घर में जश्न का माहौल, बधाई देने वालों का लगा तांता। सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें, समाजवादी पार्टी ने अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को बनाया है उम्मीदवार। पांच फरवरी को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र, जेपी नड्डा अमित शाह और सीएम योगी मिलकर करेंगे लॉन्च, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा, कांग्रेस की सरकार बनी तो 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा। देहरादून की वर्चुअल रैली से बीजेपी पर प्रियंका का वार, कहा महंगाई के आगे डबल इंजन भी फेल, किसान नौजवान और दलित सब परेशान। ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है इनका ही इंजन ठप हो गया है। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के चुनाव के लिए कांग्रेस ले रही है जनता की राय, चन्नी और सिद्धू के बीच चुनाव का विकल्प। पंजाब कांग्रेस में सीएम उम्मीदवार को लेकर चल रहे सर्वे के बीच माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे सिद्धू, भवन में ही गुजारेंगे आज की रात। मजीठा सीट से चुनाव लड़ रही है विक्रम मजीठिया की पत्नी, गुरुद्वारा में मत्था टेक कर शुरू किया चुनाव प्रचार। गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उम्मीदवारों को दिलाई पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ। मध्य प्रदेश के सीएम ने अरविंद केजरीवाल को बताया मारीच, कहा सुनहरे सपने दिखाकर गोवा के संसाधन लूटने की कर रहे हैं कोशिश। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल रोज नए नए सपने दिखा रहे हैं, ये मारीच जैसे स्वर्ण मृग है, ये समझ लेना। प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बताई बजट की बारीकियां, कहा गरीबों का रखा गया है ध्यान, बुनियादी सुविधाएं देने की कोशिश। अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। क्रिप्टो पर टैक्स के ऐलान के बाद वित्त सचिव का बड़ा बयान, बिटकॉइन समेत सभी डिजिटल करेंसी लीगल टेंडर नहीं, आरबीआई से जारी करेंसी को ही मिलेगी मान्यता। अलीगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी ने जूते की माला गले में डालकर किया अनोखा प्रचार, बीजेपी नेताओं पर लगाया धमकाने का आरोप। हस्तिनापुर में असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को बताया सांपनाथ और नागनाथ। पंचकुला के पिंजौर में पुलिस पर तलवारों से हमला, चौकी इंचार्ज समेत कई लोग घायल, निहंगों पर आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने की मरीज के साथ हाथापाई, परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर नेपाल से सटी सीमा पर फ्लैग मार्च, मतदान से पहले एक दिन सील रहेगी सीमा। राजस्थान के करौली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, रीट पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी के कॉलेज पर सरकार ने चलाया बुलडोजर, दूसरे संस्थानों में शिफ्ट किए जाएंगे छात्र। पुलिस की गिरफ्त में है एसएस कॉलेज का मालिक रामकृपाल मीणा, स्ट्रांग रूम से पेपर निकालकर 1,22,00,000 में बेचने का आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में हिजबुल का एक आतंकवादी ढेर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 26 जनवरी 2022 तक जम्मू कश्मीर में ढेर किए गए 439 आतंकवादी, गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में दी जानकारी। दिल्ली से सटे नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर आज भी जारी रही आयकर की छापेमारी, घर के बेसमेंट में मिले 600 से ज्यादा लॉकर। वाराणसी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कोरोना की नकली वैक्सीन और नकली टेस्टिंग किट जब्त, करीब 4 करोड़ रुपए है कीमत। भरतपुर में पुलिस की मनमानी, बच्चों की सड़क पर पिटाई, गाड़ी का हॉर्न सुनकर नहीं हटने पर भड़का गुस्सा। मुजफ्फरनगर में युवक की अधजली लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। फिरोजाबाद में लगातार दूसरे दिन हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 15 तमंचों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद में डंपर से कुचलकर 2 युवकों की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार।
राजस्थान के बूंदी में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, परिवार वालों को तालाब के किनारे मिली लाश। कासगंज में एक युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर दी जान, 4 महीने पहले किया था प्रेम विवाह। बिहार के दरभंगा में घने कोहरे के कारण तालाब में गिरी शराब से भरी कार, फरार हुआ तस्कर। बिहार के मोतिहारी में कस्टम अधिकारी को सीबीआई ने दबोचा, 90,000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 2021-22 में भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियां करेंगी रिकॉर्ड हायरिंग, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एक्सेल करीब 2,00,000 फ्रेशर्स को देंगी नौकरियां। भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में जोरदार उछाल आने का अनुमान, गूगल और एयरटेल की भागीदारी के बाद बढ़ा भरोसा। लॉन्च से पहले शोरूम पर पहुंची किया मोटर्स की नई कार कैरेंस, इस महीने ग्लोबल लॉन्च कर सकती है कंपनी। जनवरी में टाटा मोटर्स ने की रिकॉर्ड बिक्री, 40,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचकर किया शानदार प्रदर्शन। जनवरी में स्कॉडा की बिक्री में 200% का उछाल, महिंद्रा की बिक्री पिछले महीने 20% बढ़ी। झालावाड़ में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत 4,000 किलोमीटर की यात्रा पर युवक, अभी तक पूरा कर चुका है 64 किलोमीटर का सफर। पश्चिम बंगाल में कल से खुल रहे हैं स्कूल, कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। मुंबई में खत्म की गई ज्यादातर पाबंदियां, समंदर किनारे नजर आने लगा लोगों का हुजूम। कोरोना ने दुनिया भर में मचाया कोहराम, विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान, पिछले 10 हफ्ते में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 करोड़ से ज्यादा मामले। ओमिक्रॉन को लेकर WHO की चेतावनी, कहा कई देशों में अभी बाकी है लहर, पाबंदियों में ढील की नहीं करनी चाहिए हड़बड़ी। फाइजर ने 5 साल से छोटे बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए FDA से मांगी मंजूरी, टीकों को बताया असरदार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा यूक्रेन के बहाने रूस को नियंत्रित करना चाहता है वॉशिंगटन। बेलारूस से सामने आई सैनिकों के जमावड़े की तस्वीर, यूक्रेन समेत रूस विरोधियों की उड़ी नींद। ईरान को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट की चेतावनी, कहा अगर प्रतिबंध हटाया गया तो अमेरिका के सहयोगियों पर होंगे और हमले। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म में से एक स्पॉटिफाई को लेकर बढ़ा विवाद, कोरोना वायरस पर पॉडकास्ट की मदद से भ्रामक जानकारी देने का आरोप। अमेरिका के मिनेसोटा में स्कूल में फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत, सिरफिरे की अंधाधुंध गोलीबारी में एक छात्र की मौत। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक फर्टिलाइजर प्लांट में भीषण आग, प्लांट के 1 किलोमीटर दायरे से 6,000 लोगों को निकाला गया। इक्वाडोर में भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, 24 लोगों की मौत, कई लापता। चीन समेत दुनिया भर के दूसरे देशों में भी किया गया लूनर न्यू ईयर का स्वागत, न्यूयॉर्क के चाइना टाउन में रंगारंग कार्यक्रम और आतिशबाजी। लूनर न्यू ईयर पर दुबई में शानदार जश्न, कलाकारों ने रंग बिरंगे ड्रेस पहनकर किया ड्रैगन डांस।